नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं हूं प्रियंका। जब से राजस्थान में भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है, उसके बाद कई सीटों पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जिसे शांत करने के लिए भाजपा ने कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री करेंगे। केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में 10 नेताओं को शामिल किया गया है। कमेटी नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को शांत कराकर प्रत्याशियों का समर्थन कराने का प्रयास करेगी। चुनाव संकल्प पत्र समिति के संयोजक अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई है। मेघवाल ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण टिकट मांगने वालों की संख्या भी ज्यादा होती है, लेकिन सबको टिकट नहीं मिल सकता। पार्टी ने सभी की राय और फीडबैक के आधार पर 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। जो नेता दावेदारी कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, इससे समर्थकों में नाराजगी होनी आम बात है। अब कमेटी के सभी नेता पार्टी के सभी नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करेंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। सभी भाजपा के लोग हैं, कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल जिन नेताओं के टिकट कटे हैं या जिन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, उनमें से कुछ खुलकर तो कुछ दबी आवाज में विरोध जता रहे हैं। कई दावेदार सोशल मीडिया के जरिए तो कई समर्थकों के जरिए भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। मंत्री रह चुके राजपाल सिंह शेखावत को टिकट कटने से नाराज उनके समर्थक सोमवार देर रात वसुंधरा राजे के बंगले पर जमा थे। क्षेत्र में बड़ी आम सभा भी बुलाई गई, जिसमें समर्थकों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि शेखावत ने अब तक इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। चर्चा है कि राजपाल के समर्थन में कई पार्षद इस्तीफा देने की धमकी भी दे रहे हैं। शेखावत के समर्थक पार्टी कार्यालय भी पहुंचे और कुछ देर धरने के बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कोटपुतली से टिकट कटने पर पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी रहे मुकेश गोयल ने खुलकर विरोध जताया। किशनगढ़ से पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे विकास चौधरी भी टिकट कटने से नाराज हैं। उन्होंने फेसबुक पेज पर वीडियो डालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।